हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रकाश राय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल यूजीसी नेट का एग्जाम है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का खास करके। एंड जो भी फिजिकल एजुकेशन एस्पिरेंट है, उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप लोग जो भी रिक्वायरमेंट है, कल आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर तक, उसको अच्छे से लेके जाइए। एंड एग्जामिनेशन सेंटर से जाने से पहले आप लोग एडमिट कार्ड को थोड़ा अच्छे से गो थ्रू कीजिए, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज नहीं लेके जाना है। हम लोग एक बार देखेंगे कि आपको क्या चीज लेके जाना है, क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले। ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक एडमिट कार्ड है। ठीक है, एंड सभी का एग्जाम आई होप कल 7-9 बजे से स्टार्ट होगा, एंड 12 बजे इसका एग्जाम आपका समाप्त होगा। राइट, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलीगुड़ी में है, यहाँ पर देख पा रहा है, स्पेरा नॉलेज कैंपस। अगर किसी का भी इस सेंटर में एग्जामिनेशन है तो आप मेरे साथ वहाँ पर मिल सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको, ये सारी चीज एक कॉपी फोटो आपको लेके जाना है, एंड साथ में आपको थंब इम्प्रेशन भी विद द प्रेजेंस ऑफ जो इनविजिलेटर है उसका सामने ही आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है। एंड सिग्नेचर आपको पहले नहीं करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सिग्नर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर ओनली। यहाँ पर फोटो आप पहले फिक्स कर सकते हैं, लेकिन थंब इम्प्रेशन एंड जो सिग्नेचर है आप विद द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर करना है। ठीक है, एंड बात रही कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है कि यहाँ पर एक बार गॉन थ्रू कीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपको क्या क्या चीज लेके जा सकते हैं अंदर, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर नंबर 10 पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग फॉर्म्स। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि जो एडमिट कार्ड है उसका लास्ट में एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, इस फॉर्म को सारे अपेयरिंग स्टूडेंट्स को लेके जाना है फिल करके, एंड साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ। वैलिड आईडी प्रूफ में कौन सा कंसीडर हो सकते हैं, आपका आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपका वोटर आईडी। ये तीनों ही मेरे ख्याल से बेस्ट आपका आईडी प्रूफ में से हो सकते हैं। आप कोई भी इसमें से लेके दे जिसमें आपका फोटो एंड साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशंस हो। एंड इसके अलावा नंबर 11 में क्या लिखा है देखिए, जो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी, क्या क्या चीज आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, एंड पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकता है, एंड सिंपल ट्रांसपोर्टेड बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकता है। उसके बाद एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, साथ में आपको एक क्लियर प्रिंट आउट लेके जाना है A4 साइज पेज में। ठीक है, उसके बाद है एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या करना है, टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो का रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। नो कैंडिडेट अलाउ इन द सेंटर, अभी तो फिलहाल कोविड का टाइम नहीं है, फिर भी अगर आपके पास एक मार्क्स जरूर रखिए। एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे को बताना था आप लोगों को, एंड आई होप सबका एग्जाम अच्छा जाए। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है जो आपको फिल करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म नॉन आधार कैंडिडेट। जो नॉन आधार कैंडिडेट है, जो आधार कार्ड मेंशन नहीं किया है, उसके लिए बहुत मैंडेटरी होने वाला है, तो मैंने भी नहीं किया है, तो मेरे को भी यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। सो आई होप सबका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, अच्छा हो होने वाला है, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा है, तो अब जरूर आपका एग्जाम अच्छा होंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।